विदिशा के पठारी में पिछले दो दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण पठारी क्षेत्र का चारों तरफ से सड़क संपर्क टूट गया है। पठारी से गंज बासुदा के बीच पड़ने वाले केवंटन नदी के पुल पर 9 फीट पानी होने की वजह से दो दिन से गंज बासुदा का सड़क बंद है। वहीं पठारी खुरई सागर जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले बीना नदी के तीनों मार्गों के पुलों पर पानी होने की वजह से आवागमन पूरी तरह बंद रहा। भोपाल से होकर झांसी सागर, दमोह, कटनी, बीना, छतरपुर, टीकमगढ़ जाने वाले सैकड़ों वाहन पठारी एवं आसपास के नदी नालों पर रुके हुए हैं। बीना नदी के दलपतपुर घाट पर लगभग 12 फीट से अधिक पानी बह रहा है। अधिक बारिश के कारण नदी किनारे बसे गाँव जैसे चोपड़ा, जमनिया, चंदुली, खड़ाखेड़ी आदि गांव पर विशेष निगरानी चल रही है। नदी में अधिक पानी होने की वजह से रास्ते को रोक दिया गया एवं बैरिकेड्स लगवा कर पुलिस बल तैनात कर दिया। विदिशा पठारी से आशीष सहली की रिपोर्ट। आज बीना नदी बहुत तेज बाढ़ की स्थिति है और चारों तरफ अभी देख कर आए जमनिया और का नाम से चोपड़ा और कमिरिया, चारों तरफ पानी लगा हुआ है और बाढ़ की काफ़ी गंभीर स्थिति है और लोगों को चारों तरफ से आना जाना लगभग बंद हो गया है। और अगर पानी और भी अगर थोड़ा और गिरता है तो और भी भयानक स्थिति बाढ़ की हो जाएगी। यह नवनिर्मित पुल दानखेड़ी घाट बारिश के कारण स्थिति देखिएगा क्या स्थिति है, क्या परेशानी है। पहली बार बारिश ने अपना कहर आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।